अपनी चीज को बेच सके। सेल्स के बिना सारे का सारा कारोबार मिट्टी हो जाता है, सारे का सारा। यदि हमारी सेल्स में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो डेफिनेटली हमारा पूरी की पूरी लगी हुई पूंजी हमारी है तो वो भी फंस जाएगी, और किसी इन्वेस्टर की लगाई हुई है साथ में वो भी फंस जाएगी। इसलिए सेल्स का जो सबसे ऊपरला लेवल है वो आपके पास होना चाहिए। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन होता है? जो अपनी चीज को बेच सके। जब तक आप अपनी चीज को नहीं बेच सकोगे, आप मैन्युफैक्चरर जितने मर्जी बड़े हो, जितनी मर्जी बड़ी फिल्म के प्रोड्यूसर हो, जितना मर्जी बड़ा आपका कारोबार हो, सेल्स के बिना सारे का सारा कारोबार मिट्टी हो जाता है, सारे का सारा। मतलब किसी भी सिस्टम में हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते यदि हमारी सेल्स ठीक ना हो। हम इतने इतने कॉलोनियों, बड़े बड़े कॉलोनी काट रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री प्लॉट बना रहे हैं, यदि हमारी सेल्स में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो डेफिनेटली हमारा पूरी की पूरी लगी हुई पूंजी हमारी है तो वो भी फंस जाएगी, और किसी इन्वेस्टर की लगाई हुई है साथ में वो भी फंस जाएगी। इसलिए सेल्स का जो सबसे ऊपरला लेवल है वो आपके पास होना चाहिए। हाउ टू बिकम द बेस्ट सेल्समैन। यदि आपने ऑग मोडोनो की किताब पढ़ी होगी तो बेस्ट सेल्समैन, मतलब बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, हाउ टू बिकम बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ऑग मोडोनो, ये आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा प्रोडक्ट जब तक नहीं बिकेगा, हमारे पैसे वापस नहीं आएंगे, तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा या बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो इसमें हमें, मैंने ये कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नंबर वन पे मैंने लिखा है, नो योर प्रोडक्ट वेल। अपने प्रोडक्ट को जाने, अच्छे तरीके से जाने। भाई आप क्या बेच रहे हो? यदि आप कहीं सेहत स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा कई बार हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट या हमारे से ज्यादा उसकी स्टडी होती है। यदि आपके पास उसका जवाब ना हो या आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से ना जानते हो तो सामने वाला बंदा आपको कई बार नीचे लगा लेता है। कई बार मेरे पास आए लोग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट वाले, और जब मैंने उनके साथ न्यूट्रिशन की बात की, वेलनेस रेवोल्यूशन किताब है जो, उसके बारे में बात की, जो उसमें फार्मूले बताए उसके बारे में बात की, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो जवाब नहीं था तो फिर वो अपना प्रोडक्ट मेरे को सेल नहीं कर पाए। सेल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। अब आपका प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि इस प्लॉट का रेट, इस फ्लैट का रेट, इस मकान का रेट इतना है, इतना क्यों है, कम है तो कम क्यों है, ज्यादा तो ज्यादा क्यों है। वो आप सीसीएम का फार्मूला लगा सकते हो। सीसीएम का फार्मूला यदि लग जाता है तो डेफिनेटली आपका फायदा होने वाला है, फिर आप सामने वाले बंदे को कन्विंस कर सकते हो। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी सेल। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हो तो उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन करनी है कि मैंने ये प्रोडक्ट हर हाउस में सेल करना है। सेल मार करने के लिए आपको ग्राहक ढूंढने, यदि हमारा रियल एस्टेट का काम हो तो हम एड दे सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, ये फेसबुक पे डाल सकते हैं, कहीं गूगल पे डाल सकते हैं, तो हमारे पास कस्टमर आएगा। तो कस्टमर को हमने हर हालत में सेल करना है। गेट रेडी, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सेल। अपने आप को सेल के लिए, मतलब प्रिपरेशन अपनी पूरी करनी है कि सामने वाले बंदे के क्या सवाल हो सकते हैं, क्या जवाब हो सकते हैं। यदि आपके पास सामने वाले बंदे को कन्विंस करने का कि प्रिपरेशन होगी तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट है जो सेल हो जाएगा। नंबर तीन पर, इन्वॉल्व इमोशंस ऑफ द परचेजर। इन्वॉल्व इमोशंस क्या होते हैं? कि सामने वाला बंदा जो परचेजर है उसकी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट
होती है किसी प्रोडक्ट में, यदि इमोशनल अटैचमेंट हो तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेचना उतना ही आसान हो जाता है। इमोशन के बारे में बहुत जरूरी है, क्यों आप मतलब ऑगमंडानो की एक और किताब है जिसमें उसने अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करने के बारे में पूरा पूरे का पूरा चैप्टर दिया हुआ। सो हमने इमोशन तो सामने वाले का इमोशन ट्रिगर करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर लिखा मैंने मेक अर्जेंसी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसके आपने अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है। ये नहीं कि मैं जैसे प्रॉपर्टी में देखा कि हम बार बार उसको ये करते हैं, ये ले लो ये हो जाएगा, जल्दी कर लो ये कर लो, वो कई बार अगला कहता है यार अपना बाहर बेच लो, यदि फिर मेरे पास टाइम जब होगा तो मैं आप फैसला कर लूंगा। तो ऐसा भी नहीं करना, उसको सामने वाले को ये भी ना लगे कि आप में उतावलापन है, और उसको ये भी ना लगे कि आप बहुत ढीले चल रहे हो। देख के जब मतलब पंछी उड़ रहा है तो निशाना कब लगाना है, जब वो आके डाल पर बैठ जाएगा। तो जब उसका मतलब टेम्परामेंट सही हो जाए बंदे का, तो आपके परचेजर का टेम्परामेंट सही हो जाए, तो आपने उसके ऊपर ये अपना फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो उसका मेक अर्जेंसी का मतलब यही है कि इस बंदे को हमने जचाना है कि इसकी आपको जरूरत क्यों है। मैंने ये लिखा वाटर ये अगला लिखा इसमें वाटर बॉटल लिखा पांचवें नंबर पे वाटर बॉटल सोल्ड इन इनिशियली, मतलब मैं जब 1989 के आसपास जब पानी की बोतलें बेचने आते थे ना घर पे, तो वो अपने पास एक मीटर सा लेके आते थे, तो हमारे वाले पानी को इतना गंदला बता देते थे, दिखा देते थे वो, कि हमारी जरूरत बन जाती थी कि यार हमें तो ये लगवाने चाहिए जो पानी बोतलों में उल्टा करके रखते हैं। तो हम देख देख के उसको मतलब इतना उसको उसके मन में हमें भयभीत हो जाते थे हम कि यार इसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। मतलब इस तरीके की अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है। और दूसरे नंबर पर मैंने लिखा जे आई रोडेल 1954 और स्वामी रामदेव। जे आई रोडेल कौन है? जे आई रोडेल इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक मतलब न्यूट्रिशनल जो है, न्यूट्रिशन का पितामह उसको माना जाता है। वो कई पहले कॉलगेट कंपनी में काम करता था 1954 में, उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आई, वो कोई मैगजीन चलाता था, तो उसने अपने इसको अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कौन सा था उसका, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के आपको बीमार ही ना हो, तो आप बीमार ही ना पड़ो, तो उसी बेस के ऊपर उसने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और न्यूट्रिशन बनाने शुरू कर दिए ताकि आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। यही बात स्वामी रामदेव कर रहे हैं कि भाई आप घिया का जूस पी लो, आप करेले का जूस पी लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। क्यों कर रहे हैं? वो उसने अर्जेंसी क्रिएट कर दी आपके लिए। उसका प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है? इसलिए बिक रहा है कि उसने आपके लिए अर्जेंसी क्रिएट कर दी है। तो अर्जेंसी क्रिएट करनी है, लेकिन ऐसा हमारे रियल स्टेट में ऐसा होता है कि रियल स्टेट में यदि हम ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो सामने वाला बंदा ये हमें बोल देता है कि सर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप कहीं बाहर बेच लो, मैं कोई और प्लॉट देख लूंगा। ऐसा नहीं करना, मतलब हमने अपनी अर्जेंसी बना के भी रखनी है और सामने वाले बंदे को जाने भी नहीं देना, ये भी ध्यान रखना है। और नंबर 6 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। भाई सामने वाला बंदा परचेजर है, परचेजर तो कहेगा ही कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जितने परचेजर ज्यादा नुक्स निकालेगा हमारे प्रोडक्ट में, उतना ही ज्यादा उसको बेनिफिट होगा। क्यों? जब वो नुक्स निकालता है तो उसका रेट है जो, वो अपना रेट नीचे करने के लिए नुक्स निकालता है। यदि वो नुक्स निकाल रहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हमने उसको बड़े टैक्टफुली, बहुत ही अच्छे टैक्ट से हैंडल करना है। यदि हम उसको टैक्टफुली हैंडल कर लेंगे तो उसका ऑब्जेक्शन हमारा से दूर हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सकता है, बड़े आराम से सेल हो सकता है। यदि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है तो आपको फिर परेशानी नहीं। और सातवां लिखा है मार्केटिंग। मार्केटिंग अभाव सबसे ऊपर क्या चीज है फिर? मार्केटिंग। जब ये आपके पास प्रोडक्ट बढ़िया है, आप बेचने के लिए भी तैयार हो, आप सारे काम ये करने के लिए तैयार हो, उसमें इन्वॉल्व भी, इमोशन भी इन्वॉल्व कर दी, अर्जेंसी भी बना दी, तो हमें फिर मार्केटिंग का मतलब हम लोगों तक पहुंचाना है अपना। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस के ऊपर मैंने किताब में पढ़ा था, किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा है कि यदि आपने 100 रुपया लगाना है बिजनेस में तो 25 रुपये जो है वो आप मैन्युफैक्चरिंग में लगाओ और 75 रुपए मार्केटिंग में लगाओ। ये 75% और 25% और 75% का रेशियो है।
25% जो आपकी पूंजी है वो मैन्युफैक्चरिंग में लगनी चाहिए और 75% आपकी मार्केटिंग में लगनी चाहिए। कोई बड़े बजट की फिल्म बना के रख ले और उसकी मार्केटिंग ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं, वो फिल्म है जो उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। सो इसलिए मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक चैनल के साथ बने रहें, सीखते जाएं और पढ़ते जाएं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।